السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الأذو صحيح البخاري हदीस नंबर 136 सौ छत्तीस काबिल अहतराम सामीन आज के इस दर्स में आप आपके सामने वजू करने के चार फवाद ज़िक्र किए जाएंगे हम और आप दिन में कम अज़ कम पाँच बार वजू करने का अहतमाम करते हैं ज़ाहिर सी बात है पांच बार हम वक्त निकालते हैं वज़ू करने के लिए तो वजू करने के फवाद क्या हैं वो भी तो हमें मालूम होना चाहिए चार फवाद जिक्र करूँगा नंबर एक अगर इंसान सही तरीके से वजू करता है तो उसके पिछले सारे गुनाह अल्लाह रब्बुल रबुलामीन के हुक्म से माफ़ कर दिए जाते हैं जैसा कि उस्मान स्मान इबिनफ़ान रदी अल्लाह तह कहते हैं कि एक बार मैंने लोगों को वजू करने का तरीक़ा सिखलाया उसके बाद फिर कहते हैं मैंने लोगों से कहा इन्नी राय तो रसूल अल्लाह वसल्लम मिसला उदू इहादा के लोगों जो मैंने तुम्हें वजू करने का तरीक़ा सिखलाया है बने ही ऐसे ही मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वजू करते हुए देखा था तुम मकाल फिलस्मान रद्ल तहोंने कहा मनतवदा जिस शख्स ने इस तरीके से वजू किया जैसे मैंने वजू करके बतलाया है अगर कोई शख्स इसी तरीके से वजू करता है गफिर मातकदमदम्बी तो उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे ये कितनी बड़ी फजीलत है इमाम मुस्लिम रहमत ने अपनी हदीस की किताब सही मुस्लिम में इस हदीस को जिक्र किया है हदीस नंबर है दो इसी तरीके से उस्मान रदी अल्लाह तु की एक और रिवायत है कहते हैं रसूल अक्रम सरमाया फ़ासन मिन ख़ता हता मिन तहत अदफ़ार सही मुस्लिम हदीस नंबर दो सौ पैंतालीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिस शख़्स ने वजू किया और सही तरीक़े से खूब अच्छे से पूरे अहतमाम से वजू किया तो उसके जिस्म से उसके गुनाह निकल जाते हैं उसके जिसम से उसके गुनाह झड़ जाते हैं यहाँ तक कि नाखून के बीच से भी इंसान जब वजू करता है नाखून के अंदर से भी अगर कोई गुनाह होते हैं तो पानी के साथ वो गुनाह भी निकल जाते हैं तो ये सबसे पहला फ़ायदा है कि पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं इसी तरीके से वजू करने के साथ साथ इंसान के गुनाह झड़ जाते हैं नंबर दो वजू पर पाबंदी इख्तियार करना मुश्तकिल वजू करते रहना ये अहले ईमान की पहचान है मोमिन की बहुत बड़ी सिफत अल्लाह के रसूल वसल्लम ने बतलाई है सोबान रदी अल्लाह कहते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने फरमाते हुए सुना इस तकीम के लोगों राह रास्त पर कायम रहना सीधे रास्ते पर चलते रहना इधर उधर मत जाना और याद रखो तुम सीधे रास्ते पर मुस्तकिल कायम नहीं रह पाओगे वालम खैर मालकुम असला और ये जान लो कि तुम्हारे सारे आमाल में सबसे बेहतरीन जो अमल है बाबरकत और फजीलत वाला जो अमल है वो नमाज है सबसे बेहतरीन तुम्हारे सारे आमाल में सारी इबादतों में नमाज सबसे बेहतरीन और सबसे अफजल इबादत है वला युहाफिदु अलल उदू इल्ला मुमिन और इसी तरीके से बावजू हमेशा सिर्फ कौन रहेगा मोमिन शख्स ही रहेगा वजू की हिफाजत कौन करेगा सिर्फ मोमिन शख्स ही करेगा अल्लाह मालबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सही सुनन इब्ने माजा में इस हदीस को सही करार दिया है हदीस नंबर है दो इसी तरीके से मेरे भाइयों यह वजू अगर इंसान करता है तो जन्नत में दाखिले का सबब है यह वजू यह वजू जन्नत में दाखिले का सबब है तीसरा फायदा आपके सामने है उकबा बिन आमिर कहते हैं कि मामिन किस्लिमिन कि कोई भी शख्स वजू करता है यद ओ फ़युसिन उसके बाद खूब अच्छे से वजू करता है जिस तरीके से हदीस के अंदर वजू करना का तरीका बतलाया गया है उसी तरीके से वजू करता है तुम्मा युम फ़युसल रकात उसके बाद वो शख़्स दो रक़ात नमाज पढ़ता है और पूरे खुशु के साथ पूरे ाम के साथ नमाज अदा करता है इल्ला वजबत लहुल जन्ना तो ऐसे शख्स पर जन्नत वाजिब हो जाती है आप देखें सही ढंग से इंसान वज़ू कर ले दो रकात नमाज अदा कर ले उसे ये मकाम मिलेगा कि उस पर जन्नत वाजिब हो जाएगी इन ऐसा शख्स जन्नत में जाएगा इसी तरीके से चौथा फ़ायदा और सबसे अजीम फ़ायदा ये है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें किससे पहचानेंगे वज़ू के जो अज़ा हैं जो पार्ट्स हैं ये हाथ ये पैर ये चेहरा ये सारी चीजें कल क्यामत के दिन चमक रही होंगी और उसी से अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम हमें पहचान जाएंगे कि वो फला शख्स मेरा उम्मती है मेरी उम्मत का वो फ़र्द है अबू अबूर रदी अल्लाह कहते हैं मैंने रसूल अकरम अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना इन उम्मतीमती गुर्रम मुहजरी मिन आतार उदू सही बुखारी हदीस नंबर एक सौ छत्तीस कल क़ियामत के दिन जब मेरी उम्मत आएगी तो इस हाल में आएगी कि उसके आजाए वजू वजू के जो पार्ट्स हैं ये सब के सब रोशन होंगे चमक रहे होंगे और मैं इन्हीं से पहचान जाऊंगा कि ये शख्स मेरी उम्मत का शख्स है इस वजह से मेरे भाइयों अगर हम चाहते हैं कि वज़ू के ये सारे फ़वाइद हमें हासिल हों तो हमें बावज़ू रहने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए और कम अज़ कम पाँच वक्त की नमाज़ की अदायगी की पाबंदी करनी चाहिए अगर पांच वक्त की नमाज़ की अदायगी की पाबंदी करेंगे तो फिर ज़ाहिर सी बात वज़ू का अहतमाम भी हमारे यहाँ मौजूद होगा जब वज़ू का एहतमाम मौजूद होगा तो ये फ़दीरतें हमें इन मिल जाएंगी अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हम तमाम लोगों को सही ढंग से वज़ू करने और फिर सही तरीके से नमाज पढ़ने की तौफीक दे आमीन वसलम वरम वर्क ऐसे ही फायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब सुन्नत की तालीमत को आम करने में हमारा ताउन करे ताकि आपके लिए जरिया नजात जन्नत के हसूल का सबब साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने आमीन जज़ाक खैरन